गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबको आज दिखाने जा रहा हूँ ब्लैंकेट यानी कंबल दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। ये वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो में बहुत कुछ कहने के बात है दोस्तों, अहम बात है। तो मैं हूँ तफज्जुल हुसैन और आप लोग देख रहे हो TL गैलरी। दोस्तों ये 6 किलो का ब्लैंकेट है, कंबल है, और ये कंबल के दाम 100 रियाल 99.95 हलाला। ये हलाला वगैरह छोड़ दो, क्योंकि वो हलाला हम लोग को नहीं देता है, पूरा 100 की 100 मान लो। ये 100 रियाल में मिल रहा है दोस्तों, 100 रियाल में बहुत मस्त है। मैं गया था मार्केट में, अथी मार्केट में जाने के बाद देखा ऑफर में लगाया। अभी तो ठंडा का मौसम आ रहा है सामने, सर्दी का मौसम, सर्दी में जितने मेरे दोस्त है यार है सऊदी अरब में, उन लोग के लिए रिक्वेस्ट है, अगर लेना चाह रहे हो तो अभी फटाफट ले लीजिएगा। अब्दुल्ला अथी मार्केट में है, अथीम मार्केट हर जगह में है, रियाद में है, मक्के में है, जिद्दे में है, दम्मम में है, आभा में है, हर किसी जगह में है। तो अथीम मार्केट से आप लोग खरीद लीजिएगा जाके, और मुझे बहुत पसंद लग रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं तो ख़रीदना नहीं है। मेरा पास ऑलरेडी 2 ब्लैंकेट्स अभी पड़ा हुआ है, और एक वो क्या है ना वो भी है, मतलब आप लोग लेना चाहोगे दोस्तों। ये देखो 150 रियल का है, इसको डिस्काउंट में लगाया, 175 का सामान 25 रियल डिस्काउंट में लगाया और 150 में दे रहा है। मेरा कहने का मकसद ये है, जो हम लोग यहाँ से ख़रीदता हूँ सामान बहुत महंगा पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे देखो, अगर मान लो 150 रियल है, 150 रियल का इंडिया का इतना हो रहा है, 2900 से ज़्यादा है। मैं थोड़ी देर पहले मैंने गूगल में चेक किया, यहाँ का 1 रियल इंडिया का 19.81 रुपया हो रहा है, तो मान लो 1.5। यहाँ का 100 रियल का अगर सामान खरीद रहे हो ना, इंडिया का कितना हो रहा है, 1900 हो रहा है ना, 1900 अगर 1900 में ये खरीदोगे ना, इससे गजब मिलेगा। और सबसे मुश्किल की बात है, मैं ये कहने जा रहा हूँ, बहुत सारे हम लोग मजबूरी होता है जितना प्राइवेसी हो। ये देखो 100 रियल का है ना ब्लैंकेट, देखो ये मैं दिखा रहा हूँ, ये ब्लैंकेट देखिए ये कितना मोटा है, इतना है, ठीक है। इसका वेट कितना है, 6 किलो है, 6 किलो है ना। इंडिया में आप लोग चेक कीजिएगा कितना है 6 किलो वेट का कंबल। और ये सब कंबल इंडिया पाकिस्तान सॉरी चाइना, इंडिया चाइना थाईलैंड ये सब से आते हैं ये सब सामान, ठीक है। आप लोग यहाँ वहीं का सामान फिर वहीं पे उल्टे लेके जाता हूँ, किस लिए मजबूरी है, हम जितने प्रवासी हैं हमारे घर वाले भाई बहन सब लोग ढूंढते रहता है यार सऊदी अरब से कंबल लेके आए, सऊदी अरब से कंबल लेके आए, लेकिन उन लोग नहीं सोचता है। तो यहाँ से लेके जाना कितना तकलीफ़ होता है, कितना तकलीफ़ होता है, पैसा का बात नहीं है। 120 रियाल का सामान है ये, 120 रियाल इंडिया का कितना होगा, यानी 2300 350 400, ठीक है, 2300 350 का सामान बड़ी बात नहीं है, लेकिन लेके जाना हम लोग को कितना तकलीफ होता है। हम लोग को फ्लाइट में कितना मिलता है, 35-30 किलो का मिलेगा फ्लाइट, अगर जेट एयरवेज मिलेगा, वो कुवैत कुछ भी मिले बाहर का, ओमान एयरवेज, मतलब सिर्फ एयर इंडिया और सऊदी एयरलाइंस के बिना वेट ज़्यादा सामान लेकिन जा नहीं पाता हूँ, क्योंकि एयर इंडिया 40 किलो का ऑप्शन देता है, हैंडबैग 7 किलो का है। तो दोस्तों ये सब जो मांगता है ना, अगर 8 किलो करके आप 4 लेके जाओगे ना ब्लैंकेट, 8 किलो या 6 किलो करके 4 लेके जाओगे तो 24 किलो हो जाएगा, बाकी क्या ले जाके जाओगे। सबसे बड़ी बात है बच्चों का कुछ सामान लेके जाना है, और सबसे बड़ी बात है वो सबसे बड़ी चीज़ होता है, ये देखो 100 रियाल में लगाया। इससे भी बड़ी बात क्या होता है, आप लोग खजूर लेके जाओ, अजवा खजूर लेके जाओ, कुछ भी खजूर लेके जाओ, जमजम के पानी लेके जाओ, ओलिव ऑयल लेके जाओ, जो जैतून का तेल है इंडिया में मिलता नहीं है हर जगह में, वो सब सामान लेके जाओ, ये सब सामान लेके जाओ, ठीक है, माना नहीं करता हूँ, आपका मन कहे तो लेके जाइएगा, लेकिन पैसा बेहुदा खर्च करके लेके मत जाइएगा, क्योंकि ये सब सामान इंडिया में मिलता है, सस्ते में मिलता है और नए में मिलता है। मैं खुद उसको मैंने खुद इंडिया में ही ख़रीदा, मैं बहुत देखा, अच्छा लगा था इंडिया में। ये 64 है, 87 का सामान है, ये कितना किलो का है, 2.5-3 किलो का होगा, 2.5-3 किलो का, 4 किलो का होगा, तो इतना महंगा पड़ रहा है ना। देखिए यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ तो वेट नहीं दिखाया ना, वेट नहीं दिखाया, तो इसी बात है। आप लोग वो सब सामान लेके जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह लेके जाओ, यहाँ से कटोरे लेके जाओ, जो मक्का वाला कटोरे रहा है ना वो सब लेके जाओ। तो उतना ही था, तो गांव से हम लोग को तंग मत कीजिएगा, हम लोग को जो सब लेके जाना है वो सब लेके जाऊंगा, उतना ही। दोस्तों वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा।